हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिनों बाद वीडियो शूट करने आया हूँ भाई लोग। और भाई मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि ना एनिमल का ट्रेलर आ गया, ऑफिशियल ट्रेलर आ गया, जिसका मैं बहुत तबरी से इंतजार कर रहा था। और भाई मैं सच बोलूँ ना भाई, मैं एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं ट्रेलर देख चुका हूँ पहले और भाई मुझसे रुका नहीं गया, सॉरी। लेकिन मैं आपके लिए दोबारा देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे भाई विदाउट बकचोदी। वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है? तो 3 2 1 गो। ओके पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा। आपको याद है फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में। यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन। मेरे सारे दोस्त जा रहे थे पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। उसी दिन को रिप्ले करते, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। ओके, एक्शन पापा। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। He adores you. तुम उसके लिए सुपर हीरो। दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। अफकटमा है, पापा को छोटे बाल वाला हेयरस्टाइल पसंद है ना? आई शेयर कट, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। I'll grow it again, पापा। जब तू वापस आया मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। सब मर गया है वो। टाइम बताएगा मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है या दुनिया में सबसे फर्स्ट है। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। पापा के लिए प्यार जोक नहीं, रोग है। I really wish you died that day. हम मैं वापस आ गया दादाजी, कहीं नहीं जाऊंगा। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। करने से पहले मुझसे पूछा होता, अब से 100 चीजें करूंगा पापा। हर बार आपकी परमिशन नहीं दे सकता। You're fighting ghosts in your head. Do you even realize that? मैं ghosts से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूं। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे। अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे। भाई लोग, ये था ट्रेलर, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं रणबीर के लुक की बात कर लेता हूँ, ठीक है? रणबीर का जो लुक है छोटे वालों में बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े वालों में बैड एस लग रहा है। बड़े वालों में कसम से बैड एस लग रहा है। बॉडी बल्क करिए भाई, दिख रहे हैं भाई साहब बहुत सही। मतलब क्या बोलूं, मतलब हर लौंडे को ना कुछ कभी ना कभी दिमाग में आता है कि यार ऐसा लुक चाहिए, बॉडी बल्क हो, थोड़े से कट्स हो,
लंबे बाल हो, दाढ़ी इतनी बढ़ा लूं, बस ये करना है। क्यों? बैडेस दिखने के लिए। लड़के की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अब आ जाते हैं इसके मूवी पे। तो भाई ये मूवी, भाई ये जाने वाली है मैसिव, मैं बता रहा हूं, अभी से बता रहा हूं, ये मैसिव होने वाली है मूवी। और एक्शन ऑन पॉइंट। सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी बॉबी देओल, भाई बॉबी देओल, मतलब सुनने में आया कि उनका एक भी डायलॉग नहीं है पूरी फिल्म में, और सिर्फ एक्सप्रेशन से बात की है। और इतनी बैडेस एनर्जी है ना भाई साहब, दाढ़ी इतनी बढ़ा रखी है, बॉडी गांड फाड़, टीजर में भी दिखाई थी। और क्या बोलूं भाई इसको, यार वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। और अगर इसकी कास्टिंग की बात की जाए तो कास्टिंग एक नंबर की गई है। बॉबी देओल, रणबीर कपूर, अनिल कपूर, तृप्ति दिमरी भी दिखाई दी है, शायद उनका कैमियो होगा, और रश्मिका मंदाना। और इसके अगर मैं सीन्स की बात करूं, सीन एक से बढ़कर एक। सबसे बेस्ट सीन मुझे लगा जब रणबीर कहता है कि मैं बाल बड़े कर लूंगा पापा, और एकदम से गाड़ी से निकलता है, और जो उसका क्लोजअप शॉट है भाई, मैं कह रहा भाई क्या क्या बना दिया, मतलब लिटरली भाई एक्टिंग बहुत सही। और अनिल कपूर भी इसमें क्या, मतलब कुछ तो है भाई ये मूवी, कुछ तो है। और इतनी बैडस एनर्जी आ रही है भाई, इसको देख के मुझे मन कर रहा है मारने का, मतलब किसी को भी पकड़ू, और मतलब इसको देखकर ना मुझे लड़ाई करने का मन कर गया कि सामने कोई भी आए और धर दो भाई। इसके एक्शन एक्शन सीन्स भाई क्या बोलूं, धर 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 गोलियां भाई इतनी ज्यादा बरसा दी, इतनी ज्यादा बरसा दी, मतलब भाई अभी तक की ये बेस्ट फिल्म हो सकती है एक्शन में लिटरली। लेकिन ये मूवी सिर्फ एक्शन में नहीं है, ये ड्रामा में भी आ जाती है, ये क्या कह सकते हैं इमोशंस में भी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी इमोशनल फिल्म तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें भाई बी प्राक का जो वो साउंड चल रहा होता है पीछे, और वो शायद इसलिए लगाया गया कि मतलब फादर और सन का रिलेशन दिखाने के लिए, एक बॉन्ड दिखाने के लिए, ऐसा हो सकता है, शायद सोच ही सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेलर है अपनी स्टोरी कहीं से कहीं रिवील नहीं कर रहा, ये जो ट्रेलर है कहीं से कहीं रिवील नहीं कर रहा भाई अपनी स्टोरी, ट्रेलर की यही खास बात है। बहुत सही मूवी, बहुत प्यारे सिनेमैट्स, बहुत प्यारे क्लोजअप शॉट्स, और बहुत बढ़िया बीजीएम, भाई बीजीएम भी बहुत तगड़ा है, और जो इसका गाना निकला है ना अर्जन वेल्ली, ओ भाई मैसिव, भाई ये मूवी मैसिव जाने वाली है, मैं बता रहा हूँ पहले से पहले ही। तो यार ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, 5 चीजें कर देना, मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पर आ जाएगा, जाकर फॉलो कर लो। और पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। और ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरे 60 सब्सक्राइबर्स हो गए, और 60 लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जमुना पार गैंग में, ठीक है। और मैंने प्रयागराज का व्लॉग बनाया था, जिसने नहीं देखा अभी तक प्लीज जाकर देख लो, उसको थोड़ा सा प्यार दे दो, और अपने लोगों को यार शेयर करो ये वीडियो, यार जितनी शेयर करोगे उतने सब्सक्राइबर्स गेन होंगे, उतना ज़्यादा जमुना पार गैंग बढ़ता जाएगा। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।